मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय सांभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जादव और स्वागत है आपका हमारे चैनल डेकोरम एक्सप्लोर पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सावन के महीने की, जो हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्व क्या है और कैसे इस महीने में शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा हम जानेंगे कि भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के कुछ संकेत क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और आइए इस पवित्र महीने के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस साल 4 अगस्त 2024 से सावन की शुरुआत हो चुकी है। यह महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। भक्त इस दौरान भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। सावन सोमवार शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। ऐसा माना जाता है कि जब जीवन में भगवान शिव से जुड़े कुछ संकेत मिलने लगे तो यह उनकी कृपा प्राप्ति का संकेत हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव किसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, तब उस व्यक्ति को आंतरिक मन में डमरू बजने की आवाज सुनाई देती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इसमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे व्यक्ति का तनाव भी कम होता है। अगर आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और आपको रास्ते में नंदी महाराज यानी कि शांत बेल के दर्शन हो जाए, तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि भगवान शिव आपकी पूजा से प्रसन्न है। ऐसे में आपको नंदी महाराज को देखकर उन्हें नमन करना चाहिए। कोई पर वस्तु चढ़ाओ की वक्त हमारा भी कोई इतना कुछ था जो तुम्हारा नादान बाल समझे।
इस बार सावन पर काफी अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सावन इस साल विशेष इसलिए भी है क्योंकि सावन के महीने की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। मान्यता है इस दिन जो भी व्यक्ति माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके फल स्वरूप महादेव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। मान्यता है कि जो भी सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करता है उसे मन चाहा वर या वधु प्राप्त होता है। इसके अलावा सावन के सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर होता है। हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।